हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इन लोगों को यूपी SSSC VPO का ये सीरीज जो हमारी चल रही है, जिसमें हम ग्राम पंचायत को पूरी तरह से सिलेबस के अनुसार आप लोग को कवर करा रहा हूँ, जिसपे आपके 6500 नंबर के पेपर में 65 नंबर के केवल ग्राम पंचायत से संबंधित ही आपको पूरा सिलेबस आना है। तो सिलेबस के अनुसार ये दूसरी यूनिट का चौथा टॉपिक होने वाला है और ये शायद इस सीरीज का 10वां या 11वां वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम बात करने वाले हैं आज के टॉपिक में ग्राम पंचायतों के अधिकार, दायित्व और कर्तव्य के बारे में। यदि आप देखिए चैनल पढ़ना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि हमें भी अच्छा लगे और मोटिवेशन मिले। यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायत को अधिकार की बात करने वाले हैं अब हम। देखिए अधिकार की बात करें तो बाह्य संगठन को चंदा देने की शक्ति है धारा 16A के अंतर्गत। ठीक है, ये अधिकार है। ठीक है, बाह्य संगठन को चंदा दे सकती है। सार्वजनिक सड़क का प्रबंध करने की बात कही गई है धारा 17 में। गांव की भूमि को अर्जित करने की शक्ति धारा 33 में उल्लेख है इसका। सरकारी कर्मचारी, अमीन हो, पुलिस है, चौकीदार है, अध्यापक हो, पटवारी है, कि शायद शिकायत होने पर ग्राम पंचायत रिपोर्ट के साथ शिकायत को उचित प्राधिकारी के पास भेज सकती है। अब प्राधिकारी क्या करता है कि इसके परिणाम की सूचना ग्राम पंचायत को देगी। ठीक है, ये भी चीज आपको ध्यान देना है। स्थानीय मेला है, जल है, प्रकाश व्यवस्था है आदि पर टैक्स से आरोपित करने का अधिकार है किसे है, तो ग्राम पंचायत को है। तालाब है, जलाशय है, इनमें मत्स्य पालन है, तो पट्टे पर देने का अधिकार भी इसको है। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, ऑप्शन में पूछ लेगा कौन कौन से अधिकार है, इनमें से कौन सा नहीं है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। इनको आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना है कौन कौन से काम है जो ग्राम पंचायत करती है। सरकारी भूमि को पट्टे पर देने का अधिकार है यहाँ पर। ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने का भी अधिकार है, और ग्राम सभा की बैठक आयोजित करने का अधिकार है तो यहाँ पर मिनिमम 1/5 सदस्य होने चाहिए। ये चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाई थी। ठीक है, आप देख सकते हैं। और साथ ही ग्राम सभा की बैठक को बुलाता कौन है, तो ग्राम प्रधान बुलाता है। और मान लीजिए यदि बैठक को महीने में 1 मंथ में एक बार बैठक होना कंपलसरी होता है, ये भी चीज आपको ध्यान देना। और एक पॉइंट और ये भी ध्यान होना चाहिए कि यदि मान लीजिए ग्राम सभा के अन्य सदस्यों को लगता है कि ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए, तो लिखित रूप से यदि मिनिमम क्या कहते हैं लोग वहां पर अगर कहते हैं कि ग्राम सभा की बैठक होना चाहिए और वो हस्ताक्षर करके लिखित रूप से देते हैं प्रधान को कि बैठक होनी चाहिए, तो 15 दिन के अंदर बैठक को कराना अनिवार्य है ग्राम प्रधान के लिए। ये चीज भी आपको ध्यान होनी चाहिए। पिछली वीडियो में मैंने ये सब चीजें बताई, ये सब चीजें MCQ रूप में आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कर्तव्य की। कर्तव्य में देखिए वो अधिकार थी, एक कर्तव्य है, यानी अब ये ग्राम सभा के कार्य रहे हैं करने हैं, अब वो क्या थे, वो उसके अधिकार थे। तो देखिए कर्तव्य में आपके कृषि है, बागवानी का विकास है, बंजर भूमि और चारागाह भूमि का विकास करना, लघु सिंचाई, जल व्यवस्था, जल आच्छादन विकास कार्यक्रम को ध्यान देना, पशुपालन, दुग्ध उद्योग, आपका कुक्कुट पालन जो होता है, मत्स्य उद्योग है, इन पर ध्यान देना, इनको फलना फूलना, इनका विकास करना, सड़कें हैं, सार्वजनिक भूमि के किनारों पर वृक्षारोपण करना, उनका परिरक्षण करना और रेशम उत्पादन को बढ़ावा देना, लघु वन उत्पाद की प्रोन्नति करना और उनका विकास करना, लघु उद्योग या स्थानीय व्यापार का विकास करना, पेयजल, सार्वजनिक कुआं है, तालाब है, पोखरों का निर्माण करना, ईंधन है, चारा भूमि से संबंधित घास एवं पौधों का विकास करना, ग्रामीण विद्युतीकरण है, गैर पारंपरिक ऊर्जा है यानी कि नॉन रिन्यूएबल, नॉन ट्रेडिशनल यहाँ पर, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल नहीं है, नॉन ट्रेडिशनल आपको जो ऊर्जा स्रोत है उन पर ध्यान देना, यानी आपके जो सोलर हैं और आपके विंड एनर्जी है इन पर स्रोत को विकसित करना, इनके तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा पर ध्यान देना, पुस्तकालय और वाचनालय की स्थापना करना, खेल कूद, सांस्कृतिक कार्य हैं, बाजार हैं, मेले हैं, इनको विकसित करना, चिकित्सा, स्वच्छता और परिवार कल्याण पर ध्यान देना, समाज कल्याण, विकलांग और वृद्धावस्था के लिए विशेषतः ध्यान देना, SC ST का कल्याण करना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे हम PDS व्यवस्था कहते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो ये दोस्तों हो गया। इसके बाद आपकी पांचवी यानी सेकंड यूनिट का 5वां टॉपिक है पंचायत राज व्यवस्था, चुनौतियों और समाधान। छोटा सा मैंने सोचा इसी में इसे भी अटैच कर दिया जाए, यहाँ पर थोड़ा सा बस चुनौतियां, बस यहाँ ध्यान देना चुनौतियां और समाधान के बारे में है। चुनौतियां क्या है इसकी, देखिए योग्य प्रशासक और विशेषज्ञों की कमी है, क्योंकि देखिए योग्य प्रशासक नहीं रहते हैं तो ज्यादातर देखिए ग्रामीण स्तर पर रहता है, तो भ्रष्टाचार काफी ज्यादा रहता है, इसलिए ये बहुत बड़ी समस्या होती है। विशेषज्ञ यानी आपके देखिए यहाँ पर वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल नहीं करते, बस वही घिसे पीटे पुरानी पद्धति चलती रहती है, कागजी कार्यवाही, वही लेट लतीफ, सरकारी मशीनरी जिस तरह काम करती है, कोई नवाचार नहीं होता, सबसे बड़ी दिक्कत यही है। ठीक है, सही सही एवं विश्वसनीयता डाटा की कमी होती है, यानी आपको जो डाटा आता है जिसके माध्यम से नीतियां बनती हैं उनकी कमी है, विश्वसनीयता नहीं रहती है उनमें, सब भ्रष्ट, यानी आप देखेंगे ना कोई भी नीति यदि बनती है गांव के स्तर पर, कोई अगर सर्वे करना है तो सब फर्जीवाड़ा रहता है। आप देखेंगे आप खुद आस पास यदि गाँव के होंगे तो आप ये सब चीज देखते ही होंगे।
अधिकारियों और पदाधिकारियों के बीच संबंधों की चुनौती होती है, अधिकारियों और पदाधिकारियों में आपस में बनती नहीं है, ठीक है। विकासात्मक परियोजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता देखी जाती है, लाल फीताशाही होती है, बहुत ज़्यादा सरकारी मशीनरी इन्वॉल्व रहती है, जिसके कारण भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, जन सहभागिता में कमी दिखती है, क्योंकि लोग जागरूक नहीं होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, इसलिए उनमें सहभागिता करने की कमी दिखती है। वहाँ पर योजना के क्रियान्वयन में स्पाइल पद्धति होती है। स्पाइल पद्धति का मतलब क्या है? स्पाइल पद्धति या व्यक्तिगत हित और स्वार्थ पहले देखे जाते हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों या अधिकारी हों, या फिर आपके जो लोग होते हैं वहाँ के जन होते हैं गाँव के, वो भी अपना फायदा देखते हुए नहीं देखते हैं कि हमारे समाज का फायदा हो, हमारे एरिया का फायदा हो। आर्थिक संसाधन का अभाव होता है और दलगत राजनीति जो सबसे बड़ा कारण होती है, हर एक चीज जो होती है हमारे विकास का काम, वो सब राजनीति से प्रेरित रहती है। ये बहुत ही गलत बात है, जिसके कारण विकास की जो रफ्तार होती है वो बहुत ही धीमी होती है। अब देखिए यहाँ पर समाधान की बात कर लेते हैं। देखिए उन्हीं का उल्टा कर देंगे तो समाधान आपके निकल आएंगे। समाधान के अधिकारी एवं जनता के बीच सामंजस्य अच्छा होना चाहिए। प्रशासक है विशेषज्ञों को छूट दें ताकि वो अनुभव का सही उपयोग कर सकें। वास्तविक आंकड़े और तथ्य अच्छे दिए जाएं, जो कि नीट एंड क्लीन हों, उनमें भ्रष्टाचार ना हो, लीपापोती न होनी चाहिए, ठीक है। सरकारी फाइलों को निश्चित समय बद्ध समय में पूरा करने का उनके ऊपर दबाव होना चाहिए, ताकि सरकारी फाइलें जल्दी हों और लोगों को योजनाओं की फायदा भी पहुंचे जल्दी ही जल्दी। आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने की बात कही गई है, इस समाधान के रूप में है। विकास कार्यों का नियोजन है, क्रियान्वयन है और मूल्यांकन करना हो चाहिए। जो भी विकास कार्यक्रम आते हैं उनका नियोजन अच्छे से हो, यानी उन्हें पहले गाँव तक पहुँचाए अच्छे जाए, और उनका क्रियान्वयन भी अच्छे से हो, और उनका मूल्यांकन भी करना चाहिए कि कितने लोगों को फायदा मिला, कितने लोगों को फायदा नहीं मिला, और वो क्यों नहीं मिला है। स्पाइल पद्धति को यहाँ पर खत्म करना है, निजी स्वार्थों को यहाँ पर खत्म करना है, और देश हित में, समाज के हित में हमें सोचने की जरूरत है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, दोनों को मैंने कंप्लीट करा दिया इस वीडियो के माध्यम से। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं, आप इसमें लगभग 10 से 11 वीडियो हो गए, आप उन्हें अच्छे से देख सकते हैं। टॉपिक वाइज है, सबको मैंने यूनिट वाइज अलग अलग आपके चैप्टर वाइज पढ़ाए हैं, ठीक है। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम लिंक है, तो वहाँ से आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम के माध्यम से, और आपको वहाँ पीडीएफ भी मैं जल्दी उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। यदि आपके कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।